हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम लोग कैसे इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं अलग अलग कंडीशन के लिए कॉनकेव मिरर के, ठीक है। उसके कुछ रूल्स हमने समझे थे। सबसे पहला एक रूल था, इफ ए लाइट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पासस थ्रू फ्रॉम विच पॉइंट फोकस, है ना। हमने देखा था कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस को पास करते हुए निकल जाएगा। उससे एकदम अपोजिट हमने देखा था, अगर कोई लाइट रे फोकस से आ रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल होके निकल जाएगा आपके प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। ये हमने समझा था लास्ट पीरियड के अंदर। उसके बाद हमने एक कंडीशन भी देखी थी कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो बियॉन्ड सी रखा हुआ है तो उसकी इमेज हम लोग कैसे फॉर्म कर सकते हैं, ये भी हमने देखा था लास्ट पीरियड के अंदर। और आपको मैंने एक होमवर्क दिया था कि जो आप है वो ऑब्जेक्ट को एट सी रख के एक इमेज फॉर्मेशन करके दिखाओ। तो सभी ने किया है क्या वो? तो सबसे पहले हमने तो एक मिरर ड्रॉ कर लेना है। मिरर के आउटर सरफेस के ऊपर मैंने इस तरह से डॉट्स बनाए, इसका मीनिंग ये है कि इसको बाहर साइड से मैंने पेंट कराया हुआ है या फिर इसको ओपेक कर दिया है उसके आउटर सरफेस से, और जो इंटरनल सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन चुका है। ये जो हमारा मिड पॉइंट ऑफ द मिरर होता है इसको हम लोग पी बोल देते हैं, मतलब पोल ऑफ द मिरर। उसके बाद मैंने बताया था कि एक डिस्टेंस आप ले लो, वॉट एवर डिस्टेंस इट में भी आप जो लेना चाहो आप ले सकते हो, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। तो मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लिया है। तो ये 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जो पॉइंट आएगा वो रहेगा हमारा प्रिंसिपल फोकस, या फिर आप उसको फोकस भी बोल सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लिया है तो यहाँ से और 3 सेंटीमीटर पे एक और पॉइंट में ले लूंगा जिसको बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर द मिरर। अभी हमको क्या करना है, अलग अलग कंडीशन दी थी। एक कंडीशन मैंने आपको लास्ट वीडियो बताई है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, मतलब सी के बाद में ऑब्जेक्ट को रख के हमने इमेज फॉर्मेशन करके देखा था। उसके बाद ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा हम लोग नजदीक लेके आए, ऑब्जेक्ट प्लेस दैट सी। अभी हम लोग ऑब्जेक्ट को लेंगे बिटवीन सी एंड एर्थ। अभी हमको देखना है ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। अगर ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रख दिया जाए तो ऐसी कंडीशन में इमेज कैसे फॉर्म होगी ये हमको समझना है। तो फिर से वही, आपको इमेज फॉर्म करनी है तो आप एक ऑब्जेक्ट बना लो यहाँ पे जिसका नेम हम लोग हमेशा देते हैं ए और बी, ठीक है। तो ए बी नाम का हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो एक एरो के जैसा मुझको दिख रहा है। मैंने आपको बताया था किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म करने के लिए आपको वहां से एटलीस्ट 2 light rays निकालने होते हैं, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट की इमेज फॉर्म करनी हो आपको 2 light rays निकालने होंगे। हमारे पास अलग अलग रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करके आप 2 light rays निकाल लो और उसके रिफ्लेक्शन से हम इमेज फॉर्म कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो बनाया है, तो ए पॉइंट का मैं इमेज फॉर्म करना चाहता हूँ, तो ए पॉइंट के इमेज फॉर्मेशन के लिए मुझको एक लाइट रे चाहिए। तो मैंने यहाँ से एक लाइट रे ले लिया जो था पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये सभी डायग्राम मैंने आपको पहले भी बताया है, स्केल का यूज करके ही आपको बनानी है, सभी डिस्टेंस बराबर स्केल से मेजर करके ही लेना है। मैं यहाँ पे हाथ से बना रहा हूँ तो आप भी हाथ से बनाना शुरू मत कर देना, नहीं तो आपका डायग्राम परफेक्ट नहीं आएगा, उसमें काफी गलतियां होगी। तो हमने क्या किया है, ए बी नाम का ऑब्जेक्ट ले लिया, उसकी मैं इमेज फॉर्म करना चाहता हूँ। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, तो सी एंड एफ के बीच में रखा है। ए पॉइंट की इमेज बनानी है तो ए पॉइंट से मुझे एटलीस्ट 2 light rays निकालने होंगे। मैंने एक लाइट रे निकाल लिया जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। अभी आपका रिफ्लेक्शन कहां से जाएगा, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, बताओ फोकस। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस को पास करते हुए निकल जाएगा, मतलब इस तरह से उसमें आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो ये भी आपको रिफ्लेक्शन बराबर स्केल का यूज करके ही बनाना है, तभी आपकी डायग्राम अच्छे से और सही बनेगी, करेक्ट बनेगी। तो यहाँ पे मैंने एक रिफ्लेक्टेड रे निकाल लिया। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, इंसिडेंट रे मतलब ऐसा रे जो मिरर की तरफ आता है। तो ये जो रे था मेरा डॉटेड लाइन में मैंने शो किया, ये था इंसिडेंट रे, और मिरर से टकराने के बाद जो उसका बाउंसिंग बैक वाला रे होगा वही हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये जो रे है ये है मेरा रिफ्लेक्टेड रे जो कि फोकस को पास करते हुए जा रहा है। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास 2 conditions है। एक कंडीशन है आप एक ऐसा लाइट रे निकाल लो जो फोकस को पास करते हुए जाए तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगा, या फिर दूसरा सेंटर को पास करते हुए जाए
तो वो वापस उसी वे को फॉलो करते हुए वापस आ जाएगा। आप किसी भी इससे कर लो, आपका ड्राइंग जो बनने वाला है वो सेम ही बनेगा। तो मेरे लिए जो ज्यादा सिंपल है वो मैं क्या कर लेता हूँ, फोकस से पास करने वाला लाइट रे यहाँ पे बना लेता हूँ। इंसिडेंट रे है तो इसको मैं डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूँ, ये आपके ऊपर है, आप कोई भी इससे इसको शो कर सकते हो। तो एक बराबर स्ट्रेट लाइन बाय यूजिंग स्केल आपको वहां पे ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली जो एक रे है, लाइट रे ए से पास करता हुआ, फोकस को पास करता हुआ मेरे मिरर पे आके वो टकराया। तो मिरर से वो बाउंस बैक करेगा क्योंकि मिरर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इसका बाउंस बैक इस तरह से होगा, वो हो जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो बराबर स्केल का यूज करके एकदम स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आप ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लिया जो बराबर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल होगा, क्योंकि वो राइट रे फोकस से आया था तो आपका रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। अभी मुझे कोई बता सकता है कि ये इमेज कहां पे फॉर्म होगी, इस एबी की, एबी की इमेज कहां पर फॉर्म होगी? हाँ, तो जो इमेज फॉर्म हो रही है वो बियॉन्ड सी हो रही है, ये तो मुझे समझ में आ रहा है, बट उसका लोकेशन क्या है, मतलब कौन सी जगह पे इमेज को ले लूं मैं यहां पर बताओ। तो इमेज हम लोग लेंगे कहां पर, जहां पर पॉइंट इंटरसेक्टिंग होंगे, मतलब जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे हमारा इमेज फॉर्म होगा, ये मैंने आपको बताया था। तो यहां पर देखो मेरे पास रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो दो है, ये वाला एक रिफ्लेक्टेड रे है और ये मेरा दूसरा रिफ्लेक्टेड रे है, और वो इस पॉइंट पे आके एक दूसरे को मीट कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि ये पॉइंट के ऊपर उसका इमेज बनने वाला है पॉइंट ए का, मतलब इस तरह से आप इस इमेज को ड्रॉ कर सकते हो, और ये वाला ए का इमेज है इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए डैश, और ये रहेगा मेरा बी का इमेज इसलिए मैं वहां पे लिख रहा हूँ बी डैश। तो इस तरह से हमने इमेज फॉर्मेशन कर लिया व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। तो आई होप आपको ये जो मैंने डायग्राम यहाँ पे बना के दिखाई है वो अच्छे समझ में आ चुकी होंगी, यस और नो? यस सर। किसी को भी कोई भी दिक्कत है क्या? मुझे हमेशा दो तीन स्टूडेंट्स का ही आवाज सुनाई देता, बाकी स्टूडेंट्स अवेलेबल नहीं है क्या क्लास में? अगर अवेलेबल हो तो कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी दिखाओ, एटलीस्ट वहां पे आप कभी रिप्लाई कर सकते हो, कुछ ना कुछ तो कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने इमेज फॉर्मेशन सीख लिया ए बी का कैसे करना है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन सी एंड एफ। अभी हम लोग देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, हम लोग प्रॉपर्टीज कैसे लिखेंगे वो हमको यहाँ पे अभी समझना है। तो सबसे पहले वाली प्रॉपर्टी हमको लिखनी है, तो ये प्रॉपर्टी अभी मुझे ऋतु का बताएंगे, बताओ ऋतु का क्या आएगी सबसे पहले प्रॉपर्टी, करो अपना माइक ऑन करो, टाइम वेस्ट मत करो, फटाफट माइक ऑन करते जाओ, आंसर करते जाओ। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग लिखते हैं लोकेशन, क्या है लोकेशन इमेज का, देखो वंश नरवड़े छोड़ के चला गया, बताओ ऋतु का बताओ। मतलब आप लोग हो या ना हो कुछ समझ में नहीं आता क्लास में, खुशी बताओ। बियॉन्ड सी, मतलब सी के बाद में इमेज फॉर्म हो रही है, सभी को दिखाई पड़ रही होंगी, सी के बाद में हमको इमेज दिखाई दे रही है इसलिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बियॉन्ड सी, इमेज फॉर्मेशन जो हो रहा है वो बियॉन्ड सी हो रहा है, ठीक है। सेकंड हम लोग लिखते हैं इमेज जो है वो किस तरह की है, रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है, तो ये आप संबोधित बताओ उसको, इमेज रियल है या वर्चुअल है, यस सर? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, फिर से एक बार रिपीट करो। रियल इमेज, व्हाई? स्वानकियो मिरर रियल इमेज फॉर्म करता है इसलिए ये रियल इमेज है, ऐसा रीजन सही है कि आपका? तो
रियल एंड इन्वर्टेड है बट क्यों है, व्हाई? सर रिफ्लेक्टेड रेज है एक्चुअली। हाँ जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक्चुअल में, यस रिफ्लेक्टेड रेज आपको एक्चुअल में मीट करते हुए दिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो रियल इमेज है ना। अगर वो एक्चुअल में मीट नहीं करते, अगर इमेज में हमें देखने को मिल रहा है कि जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट, अगर रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे के साथ मीट करते हुए दिखते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके जो लाइट रेज है वो एक दूसरे को मीट कर रहा है, मतलब वो एक रियल इमेज है। और इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी इज अ रियल इमेज। और सेकंड हम लोग जो लिखते हैं वो है इन्वर्टेड है या फिर इरेक्ट है, तो आपको देखने को मिल रहा होगा इसका एरो ऊपर की तरफ है, मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ देख रहा है और इमेज नीचे की तरफ है, मतलब ये हमारा है इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, तो ये हो गई हमारी दो प्रॉपर्टी। उसके बाद हम लोग एक थर्ड प्रॉपर्टी लिखते हैं, उसका साइज क्या है इमेज का, बताओ इमेज की साइज क्या है। यस आप देख पा रहे होंगे इमेज ऑब्जेक्ट जो है इतना सा है और इमेज उसके कंपैरिजन में आपको इनलार्ज दिख रही है, मतलब बड़े साइज की दिख रही है, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हो इनलार्ज या फिर लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, है ना। इस तरह से आप कुछ भी वहां पर लिख सकते हो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इम्पोर्टेंट है उसका मीनिंग सेम होना चाहिए सभी चीजों। तो आई होप आपको ये इमेज फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा बिटवीन सी एंड एफ। इसके बाद आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख के भी इमेज फॉर्मेशन करके देखना है, वो भी बता देता हूं मैं यहां पर, ऑब्जेक्ट प्लेस दैट फोकस। अभी नेक्स्ट कंडीशन हमको देखनी है ऑब्जेक्ट एट डेप्थ, मतलब हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट को और भी मिरर के नजदीक लेके जा रहे हैं। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को रखा था बियॉन्ड सी, वहां से उठा के हमने रखा सी पे, उसके बाद रखा सी एंड एफ के बीच में, अभी हम रोकेंगे एफ पे, उसके बाद में एफ और पी के बीच में, मतलब ऑब्जेक्ट को हम लोग मिरर के क्लोज लेके जा रहे हैं और वहां पे हम लोग चेक कर रहे हो कि किस तरह की इमेज आपको दिखा रहा। तो अभी हमको रखना है ऑब्जेक्ट को एट एफ, तो मैं यहाँ पे एफ के ऊपर एक एरो बना लेता हूँ जो कि मेरा ऑब्जेक्ट है, उसका नेम मैंने दे दिया ए बी। तो सबसे पहले अभी क्या करेंगे हम लोग, फिर से वही कुछ लाइट रेज हमको निकालने होंगे पॉइंट ए से, सो दैट वी कैन फाइंड द इमेज फॉर द सेम। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए से मैं यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ जो कि पैरेलल है हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगी, फोकस, ये आपको लर्न हो गया होगा अभी। हाँ, ये चीज बार बार पूछने के पीछे का रीजन यही है कि आपको वो चीज बार बार बोलने से और सुनने से आपकी वो लर्न हो जाती है, इसीलिए मैं इसको बार बार दोहरा रहा हूँ आपके लिए। तो कोई भी लाइट के अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगा, और वही मैंने यहाँ पे करके दिखाया है। सेकेंड हमारा जो था वो क्या था, अगर लाइट रे फोकस से पास करते हुए जाए तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, बट वो कंडीशन यहाँ पे अप्लीकेबल हो सकती है क्या? No, sir. No. क्योंकि अगर यहाँ से आप अगर लाइट रे को भेजोगे तो लाइट रे ऐसा नीचे चला जाएगा, वो मिरर की तरफ जाएगा ही नहीं, तो कहाँ से इमेज फॉर्म करोगे। तो ऐसी कंडीशन में हमें एक और रूल की यूज करना है, जो रूल हमने इसके पहले भी सीखा था, कोई बता सकता है वो रूल जो हमने पढ़ा था? हाँ, हमने देखा था कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए जाए तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम उसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस आने वाला है। तो मुझे क्या करना है, वो लाइट रे जो है वो सी से भी जाना चाहिए और ए से भी जाना चाहिए, क्योंकि मुझे एक ही इमेज फॉर्म करनी है। तो उसको कैसे करूंगा, देखो सी से मैंने लाइट रे को निकाला और वो इस तरह से निकालना है कि वो ए को भी पास करते हुए आगे की तरफ जाए, इस तरह से, तो सी से भी जा रहा है और साथ ही साथ ए से भी जा रहा है। तो यहां पर जैसे वो लगेगा वहां से रिबाउंड होके वापस आएगा इस तरह से, और उसका रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से आपको आगे बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी आप यहां पर देखो जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है वो किस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। हाँ, जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है
अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे, आप अगर एकदम परफेक्टली अच्छे से स्केल से इसको बनाओगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो दोनों लाइट रेज है वो एक दूसरे के साथ पैरेलली आगे बढ़ रहे हैं। और आपको मालूम है कि पैरेलल रे लाइन जो होती है वो कभी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करती, पता है सभी को। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो लाइट रेज है वो काफी दूर तक ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, उनमें इंटरसेक्शन नहीं होगा, ठीक है। बट साइंस की लैंग्वेज में ये बोला जाता है कि जो पैरेलल लाइंस है वो जाके इंफिनिटी पे एक दूसरे को मीट करती है, मतलब काफी दूर तक जाने के बाद वो एक पॉइंट आएगा इनफाइनाइट पे जहां पर जाके वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। तो इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ काफी दूर जाके, समझ लो फॉर एग्जाम्पल वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ये जो इमेज फॉर्म हुई ये इमेज भी हमारी रियल इमेज ही है, क्योंकि वो काफी दूर जाके एक दूसरे को एक्चुअल में इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी जो हमें यहाँ पे मिलने वाली है वो क्या है, सबसे पहला तो लोकेशन। तो लोकेशन क्या है इमेज का? यस, ऑब्जेक्ट। मैंने बोला कि जो लाइट रेज है वो इंफिनिटी पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारी इमेज फॉर्म होने वाली है वो फॉर्म होगी एट इंफिनिटी। तो मैं बोल सकता हूँ कि इंफिनिटी पे इमेज फॉर्म होगी। सेकंड हमको लिखना है जो इमेज है वो रियल है या वर्चुअल है, बताओ। रियल इमेज, क्योंकि ये एक्चुअल में एक दूसरे को मीट करने वाले हैं, तो मैं इसको बोल सकता हूँ इट इज अ रियल इमेज। और साथ ही साथ ये किस तरह की इमेज है, सीधी है या उल्टी है? इनवर्टेड। आप देख पा रहे हो इसको मीट करेगा, मतलब नीचे की तरफ ही एरो आएगा कि ये भी इमेज हमारी इनवर्टेड इमेज ही है। और एक लास्ट हमको लिखना है उसकी साइज क्या होगी। तो क्या साइज होगी इमेज की? Yes, highly enlarged image हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाली है, क्योंकि वो काफी दूर जाके एक दूसरे को मीट करेगी। तो आप समझ सकते हो कि इमेज कितनी बड़ी बनने वाली है as compared to the object। तो समझ में आया कि आपको हमने किस तरह से इमेज फॉर्मेशन किया यहाँ पे? Yes. इसके बाद एक और कंडीशन है जो है बिटवीन F एंड P, मतलब फोकस और पोल के बीच में भी आपको ऑब्जेक्ट को रख के देखना है, और वहां पर भी इमेज फॉर्मेशन आप करके देख। अगर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा जाए तो उस कंडीशन में वो इमेज कैसे बनाएगा, ये मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे समझा देता हूँ। फिर से वही हमारा P पॉइंट है, F पॉइंट एंड C पॉइंट। तो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी मतलब क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट काफी दूर है हमारे मिरर से, ठीक है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। आपको पता है सन जो है वो हमारे पास से काफी दूर है, आप उसके डिस्टेंस को हम लोग मेजर कर सकते हैं, तो काफी ज्यादा डिस्टेंस आता है नियरली इंफिनिटी के आसपास। तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास सन है, और सन से जो लाइट रेज आएगी वो कुछ किस तरह से आएगी, बराबर है? यस और नो? हाँ, जो सन से हमारे पास लाइट आने वाले हैं वो कुछ इस तरह से आएंगे, और इसी को हम लोग बोलते हैं पैरेलल टू ईच अदर, मतलब जो लाइट रेज कभी भी इंफिनिटी से हमारे पास आती है वो लाइट रेज एक दूसरे के साथ पैरेलल होती है। ये कंडीशन आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, जो भी लाइट रेज इंफिनिटी से हमारे तरफ आएगी वो हमेशा एक दूसरे के साथ पैरेलल होती है ना। और इसीलिए हम लोग क्या कंसिडर करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, इसी तरह का हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो इंफिनिटी पे है, तो इसके पास से किसी भी एक पॉइंट से जो लाइट रेज आएगी वो एक दूसरे के साथ पैरेलल ही आएगी। मतलब समझ लो ये हमारे पास एक लाइट रे है जो आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, उसी तरह से ये भी एक लाइन हमारे पास आ रही है लाइट रे, और ये भी है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये दोनों लाइट रेज आ रही है एक सेम पॉइंट से, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास आएगी, तो आफ्टर डिफ्लेक्शन आप बोल सकते हो कि ये कहां से जाने वाली है, फोकस से। और सेम यहां पर भी आफ्टर डिफ्लेक्शन ये जाएगी फोकस से। तो इस कंडीशन में जो हमारी इमेज फॉर्म हो रही है उसकी प्रॉपर्टीज आप कैसे लिखोगे, बताओ। सबसे पहले तो उसका लोकेशन, कहां पे इमेज फॉर्म हो रही है? फोकस। जो इमेज फॉर्म होगी वो हमारी फॉर्म होगी फोकस के ऊपर। आप देख पा रहे हो कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है वो एक दूसरे को मीट कर रहे हैं एट फोकस, और इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इमेज फॉर्मेशन होगा फोकस पे। सेकंड हमको बताना है इमेज रियल है या इन्वर्टेड है, बताओ। हाँ, यस,
यस, जो हमारी इमेज है वो रियल इमेज है, क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक्चुअल में आपको मीट करते देखने को मिल रहे हैं, और इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूँ रियल इमेज। अभी सेकंड हमको लिखना है ये इमेज सीधी है या इन्वर्टेड है, कौन बता सकता है? इन्वर्टेड इमेज है, बट यहाँ तो उसको दिख ही नहीं रहा है इन्वर्टेड है करके, फिर आपने कैसे बताया? बताओ हाँ, ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो रियल इमेज होती है वो हमेशा इन्वर्टेड इमेज ही होती है, ये आपको हमेशा साथ में चलेगा। रियल एंड इन्वर्टेड जो वर्ड होता है वो साथ में चलता है, जो भी हमारा मिरर रियल इमेज बनाता है उसकी इमेज इन्वर्टेड ही होगी, तो ये भी आप ध्यान में रखो। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट काफी छोटा इमेज बना रहा है यहाँ पे, तो आपको वो देखने को नहीं मिलेगा कि सीधी इमेज है या उल्टी है, बट आपको ध्यान में रखना है कि वो इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी बिकॉज इट इज रियल इमेज। और उसके बाद आपको बतानी है उसकी साइज, तो कैसी साइज है इमेज की? यस, पॉइंट साइज इमेज आप बोल सकते हो, या फिर हाईली डिमिनिश्ड इमेज बोल सकते हो, मतलब बहुत ही ज्यादा छोटी हो चुकी है इमेज, है ना, और आप इसको पॉइंट साइज इमेज भी बोल सकते हो, क्योंकि पॉइंट के साइज की छोटी सी इमेज आपको देखने को मिल रही है एट पॉइंट F, ठीक है? समझ में आया आपको टॉपिक? हाँ, तो अभी हमको समझना है कि ये जो कॉनकेव मिरर है इसको हम लोग कहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो इसके यूजेस हमने लास्ट पीरियड में मैंने आपको बताए थे, जैसे सबसे पहला एक इमेज का यूज है इन डेंटिस्ट जो है इसका यूज करता है, क्योंकि उसको इमेज बड़ी करके देखनी है, मतलब जो टीथ होते हैं उसके अंदर कुछ अगर प्रॉब्लम है तो उसको चेक करता है, और ऐसी कंडीशन में वो चाहेगा कि वो टीथ जो है वो थोड़ा इनलार्ज होके उसको दिखे, और इसलिए हमें यहाँ पे जो मिरर हेल्प करने वाला है वो है कॉनकेव मिरर, ठीक है? तो कॉनकेव मिरर कुछ इस तरह की कंडीशन आप देखते हो कि जो इनलार्ज इमेज आपको दे सकता है, यहाँ पे भी आप देख रहे हो एक काफी ज्यादा इनलार्ज इमेज यहाँ पर मिल रही थी हमें, कौन से कंडीशन में? जब ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी था। उसके बाद और भी कहाँ का इनलार्ज इमेज मिल रही थी बताओ? हाँ, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी था उस कंडीशन में भी हमें इनलार्ज इमेज मिल रही थी, तो वही चीज है हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और जिसके कारण हमें इनलार्ज इमेज मिल सकती है ऑब्जेक्ट की। तो कॉनकेव मिरर का यूज हम लोग वहां पर भी कर सकते हैं डेंटिस्ट के लिए। इसके अलावा लाइट के, हाँ बोलो, यस हाँ, शेविंग मिरर के अंदर भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा बताओ? नहीं, साइड मिरर में नहीं होगा, क्योंकि साइड मिरर में हमें छोटी इमेज देखनी होती है। टॉर्च के अंदर यूज कर सकते हो, बराबर है? यस, हाँ, हेडलाइट्स के अंदर भी हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपने टीवी का एंटीना देखा है, हाँ, उसके अंदर भी हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी लाइट रेस को हमको कन्वर्ज कराना है एक जगह पे, सिग्नल्स को भी कन्वर्ज कराना होता है ना, जो हमारे पास सैटेलाइट से सिग्नल आते हैं वो सब कन्वर्ज करा के आपके टीवी में आप देखना चाहते हो, तो वहां पे भी हमें कॉनकेव शेप वाला ही डिश चाहिए होता है ना, तो वहां पे भी हम लोग इस तरह के मिरर्स यूज कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा सोलर एनर्जी का यूज जब हम करते हैं तो वहां पे भी सोलर फर्नेस में वगैरह भी इस तरह के ही कॉनकेव मिरर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है आपको यूजेस?